चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखें हमारे पास आज। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेवन लॉग प्लस फाइव लॉग ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री लॉग एटी वन अपॉन एटी। इसको हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल्स टू लॉग टू। तो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल बी हम इसको No. ये सेवन लॉग सिक्सटीन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आइडेंटिटीज यूज करेंगे। वी विल बी राइटिंग दिस एज, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, रेज टू पावर सेवन प्लस log of 24 upon 25 raised to power 5 plus log of 81 upon 80 raised to power 3। हम लोग लिखेंगे y log x is equals to log of x raised to power y. This is written as इस तरह से log of 16 को लिखेंगे 2 raised to power 4 और 15 को लिखेंगे 3 into 5। प्लस log of 24 को लिखेंगे 8 into 3 यानी 2 cube into 3 और 25 को लिखेंगे 5 square 4 raised to power 5 plus log of 3 raised to power 4 लिखेंगे 81 को और 16 होता है 80 होता है 16 into 5 यानी 2 raised to power 4 into 5 whole cube। then we'll write it as log of 2 raised to power ये 7 and 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर्स जो होती हैं आपस में, जब हमारे पास a रेज टू पावर b इंटू सी होता है तो ये a रेज टू पावर बी सी हो जाता है। नीचे आ जाएगा आपके पास 3 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 7 प्लस लॉग ऑफ इसी तरह से 2 रेज टू पावर 15 इंटू 3 रेज टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 10। इसी तरह से लॉग ऑफ 3 raised to power 12 upon 2 raised to power 12 into 5 raised to power 3। अब आप जब इस सब चीजों को देखेंगे तो अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, log a प्लस log b इज log a into b। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log of 2 raised to power 28 into 2 raised to power 15 into 3 raised to power 5 into 3 raised to power 12 whole divided by 3 raised to power 7 into 5 raised to power 7 into 5 raised to power 10 into 2 raised to power 12 into 5 raised to power 3। Now, इसको अगर आप देखें
हाँ एक छोटी सी, मैंने इसको 24/25 लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था यहाँ 25/24, तभी गड़बड़ी हो रही थी। मैं कहूँ ये उल्टा आंसर क्यों आ रहा है, देखें जी एक्चुअली इट इज 25/24, ये 25/24 है, दिस इज 5 स्क्वायर, यहाँ न्यूमिरेटर में आएगा एंड 2³ × 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ये 5^10 हो जाएगा, × 5^10, और डिनोमिनेटर में आएगा 2^15 × 3^5, तो ये आ जाएगा 2^15 × 3^10। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2^28, और ये आपके पास आ जाएगा 5^10 × 3^17 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें 2 की सारी पावर्स को लेंगे तो ये बनेगा 2^27। ये मैंने क्या किया, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, × 5^10 × 3^17। तो अब देखें मैंने क्या किया, मैंने 3^7 3^10 हो गया, × 3^10 हो गया 3^17, 5^7 × 5^3 हो गया 5^10, एंड 2^15 एंड 2^12 हमने लिखा, 15 + 10 2^27। अब देखें यहाँ पे ये और ये दोनों कट जाएंगे आपस में, अदरवाइज अब हमारे पास बचेगा क्या, इन केस ऑफ डिवीजन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, यह आ जाएगा 2^28 -27 एंड फाइनली इट इज लॉग ऑफ 2। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू है वो लॉग ऑफ 2 आ रही है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। ये देखें लॉग ऑफ 2 हमें प्रूव करना था, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप फटाफट से इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिएगा साथ में, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप देखें, हमें प्रूफ करना है कि log x अपॉन b माइनस सी एंड इक्वल्स टू log y अपॉन c माइनस a, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि x^b + c - a y^c + a - b एंड z^a + b - c इक्वल्स टू 1। आप यहां पे देखेंगे हेयर इज इक्वल्स टू, हम इसको k ले लेते हैं, हमें पता नहीं है पर हम k ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x का वैल्यू k टाइम्स b माइनस c, log ऑफ y का वैल्यू k टाइम्स c माइनस a एंड log ऑफ z का वैल्यू k टाइम्स a माइनस b। हमने क्या किया, हमने एक एक करके जैसे log ऑफ इसकी को आप फिलहाल देख लें, इसके हिसाब से आप बाकी को देख लेंगे, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको
ऑपोजिट साइड पे ले गए तो लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, के टाइम्स ए माइनस बी। इसी तरह से जब आप लॉग एक्स अपॉन बी माइनस सी को करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ के इंटू बी माइनस सी एंड लॉग ऑफ वाई टू के लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू के इंटू सी माइनस सी। अब ये हमारे पास लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम खुद से क्या लेंगे, लेट से एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए प्लस वाई रेज टू पावर सी प्लस ए माइनस बी प्लस जेड रेज टू पावर सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लीकेशन में ही है ये सब चीजें, ये मल्टीप्लीकेशन है, बेस पे मल्टीप्लीकेशन है, इंटू जेड रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू एम ले लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। लॉग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड का वैल्यू पता है, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ पूरे के ऊपर लॉग आ जाएगा तो एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू वाई रेज टू पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू जेड रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम। ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ये आपके पास आ जाएगा, अब लॉग ए इंटू बी इंटू सी है तो इसको हम अलग से लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए प्लस लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर ए प्लस सी माइनस बी या सी प्लस ए माइनस बी प्लस लॉग ऑफ जेड रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, दिस विल बी रिटन एज बी प्लस सी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ एक्स। इसको ना मैं कंफ्यूजन नहीं रखते, इसको हम आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं सी प्लस ए ही रहने देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में जब चल रहा है यही तो सी प्लस ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ वाई प्लस ए प्लस बी माइनस सी इंटू लॉग ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम। अब आप लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए, ये हमारे पास था k टाइम्स b माइनस सी, फिर c प्लस a माइनस बी इंटू k टाइम्स c माइनस ए, ये log y का वैल्यू है, प्लस a प्लस b माइनस सी और log z का वैल्यू हमारे पास था k टाइम्स ए माइनस बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम। अब यहां पे अगर आप देखें तो मैं के सबसे कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बनेगा, अब इस चीज को जो नेक्स्ट स्टेप है बड़े ध्यान से देखना, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा, नाउ यहां से इन दोनों को हम लोग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम लोग अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को हम लोग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने
बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी को अलग से मल्टीप्लाई किया और इस ए को माइनस ए को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली माइनस बी को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस सी को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड देन हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी। एंड सिमिलरली दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम। अब देखें यहां पे, अब ये जो ध्यान देने वाली बात है, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सब कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा के इंटू जीरो इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम, या हम कह सकते हैं लॉग ऑफ एम इज इक्वल्स टू जीरो। और किस लॉग की वैल्यू जीरो होती है, जब वो वन हो, एम इज इक्वल्स टू वन। अब हमने एम क्या सपोज किया था, इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पे एम सपोज किया था, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, और उसी एम की वैल्यू आ रही है वन, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। शाबाश, नोट करेंगे इसको और इसको आज घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे, आप इसको नोट करिए, एक और ऐसा ही एक क्वेश्चन करेंगे ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए जी, एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आप देखें। सो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है इफ लॉग ऑफ अगेन ए अपॉन बी माइनस सी, तो हम अगेन यहां पे क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लेट log of a upon b minus c is equals to log of b upon c minus a equals to log of c upon a minus b is equals to k। इसको हम लिखेंगे log of a is equals to k times b माइनस सी, लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू k टाइम्स c माइनस a, लॉग ऑफ c इज इक्वल्स टू k टाइम्स a माइनस b, वैसे किया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब आपने log a log b log c की वैल्यू आपको मिल गई। नाउ अगेन आप क्या करेंगे, आपके पास जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है, नाउ लेट अगेन ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी इंटू सी रेज टू पावर सी को आप एम ले लीजिए, वही जैसे हमने पहले किया था, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ ए रेज टू पावर ए into b raised to power b into c raised to power c is equals to log of n। plus log of b raised to power b plus log of c raised to power c is equals to log of m। and इसको फिर हम वही लिखेंगे a log a plus b log b plus c log c log m।
लॉग ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा के टाइम्स बी माइनस सी प्लस बी इंटू के टाइम्स सी माइनस ए प्लस सी इंटू के टाइम्स ए माइनस बी अब ये आ जाएगा आपके पास ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम और ये आ जाएगा के इंटू ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए बी ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम फिर से ये सब कट जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट के इंटू जीरो इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम अगेन लॉग ऑफ एम इज इक्वल्स टू जीरो और एम इज इक्वल्स टू वन सो यू हैव सीन दैट वी हैव अगेन गॉट द वैल्यू ऑफ एम एज वन तो यहां पर भी हमारे पास m वॉज वन यहां पर भी m इज इक्वल्स टू वन तो हेंस प्रूव तो हमने यहाँ m की वैल्यू ले ली और उस m की वैल्यू को वन प्रूव कर दिया तो यहां पर हमारे पास ये बात प्रूव हो गई तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ही लेके चलते हैं कि हम लोग इसको लॉग किसी चीज के इक्वल करेंगे एंड देन फिर लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको करें नोट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ हम लोगों ने देखे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं अब हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा Very important thing. Characteristic हम लोगों को मिलता है नंबर से लेकिन इसको पढ़ने से पहले समझने से पहले characteristic क्या होता है हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी नंबर की हम किसी भी नंबर को ए पॉइंट बी सी डी इंटू 10 रेज टू पावर एम के फॉर्म में लिख पाए तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी फॉर एग्जांपल ये एक नंबर ले रहा हूं और यहां पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो नो सपोज मेरे पास एक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 3, 9, 5, 2, 4, 1, 5.67 and 0.00345 नाउ हम लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है a डॉट b c d इनटू 10 रेज टू पावर समथिंग यानी अगर आप यहां पे देखें तो
डेसिमल को हम लोगों को लेके जाना है, ठीक है। डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हम लोग यहाँ पे डेसिमल है, हम इसको तीन प्लेसेस लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। यहां से डेसिमल था 1, 2 और यहाँ पे 3, तो ये 3 प्लेसेस लेफ्ट में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3.4, 5, 6 × 10⁻¹⁰। जितने प्लेसेस हम लेफ्ट में लेके गए उतनी उसकी पावर आ जाएगी। चलिए एक और देखते हैं, यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस गया, 7.3952 × 10⁴। यस, 7.3952 × 10⁴। देन नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए दो ही प्लेसेस के लिए जाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 4.1567 × 10⁴। जितने प्लेसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं बस उतने ही प्लेसेस, एक्चुअल नंबर हमें ये गिवन था 415.67, तो जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया तो ये 10⁻²  प्लेसेस ही लेफ्ट में गया। देन नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में बात उल्टी हो रही है, यहाँ पे डेसिमल हमारे पास राइट में शिफ्ट हो रहा है 2 और 3। कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ, 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास ये बनेगा 3.45 × 10⁴। 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हुआ तो -3, प्लस नहीं हो रहा था तो +3, लेफ्ट क्या रहा था, लेफ्ट टू राइट आ रहा था तो +3 और राइट टू लेफ्ट आ रहा तो -3, ठीक है जी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो m है यहां पे 10⁻⁷ है, ये उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, यानी अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं, इन सब की बात करूं, तो आपसे एक चीज की अगर मैं बात करूं तो मैं इन सब केसेस में अगर इन सब नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि यार फर्स्ट केस में कैरेक्टरिस्टिक इज 3, सेकंड केस में इट इज 4, थर्ड केस में इट इज 2 एंड फोर्थ केस में इट इज -3, यानी जो भी 10 की पावर आएगी दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। सो यू हैव गॉट किस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जब हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो पावर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये बात समझ आ गई आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैंटिसा, ये मैंटिसा कौन है, मैंटिसा इज द वैल्यू विच वी एक्चुअली और जनरली टेक फ्रॉम द लॉग टेबल, विच वी जनरली टेक फ्रॉम द लॉग टेबल, तो मैंटिसा इज द वैल्यू ऑफ ए नंबर अंडर सम बेस। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जनरली हम लोग जब बेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बेस अगर हमें कोई भी गिवन नहीं होगा तो हम उसको 10 लेके चलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम इसको x लेंगे या m ले लेते हैं या k ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, चलिए x ही ले लीजिए, तो ये हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 100। This implies that 10⁻⁶ is equals to 10² and this implies that x is equals to 2. अब इस x को ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना कि ये जो x है इसको मैं लिख सकता हूं 2.0000, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ If you see here, यहां पे ये जो 2 हम लोगों ने लिखा, आपको बताइए 2 कहां से आया, ये 2 कौन है, ये 2 जो है, this 2 is characteristic, what it is characteristic, क्यों,
बिकॉज हम 100 को क्या लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 रेस टू पावर 2, यानी डेसिमल से पहले एक डिजिट, और जब डेसिमल से पहले एक डिजिट आएगा तो जो भी 10 की पावर होती है वो क्या बन जाती है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो हियर इट इज कैरेक्टरिस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मेंटिसा क्या है। मैं आपको इसको बात करने से पहले मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि हमारे पास ना log 2 का वैल्यू होता है, log 2 ऑब्वियसली ऑन द बेसिस 10 इट इज 0.3010। हमें ना तीन वैल्यूज तो हमेशा याद रहनी चाहिए, log 2, log 3, 0.4771 एंड log 5, और इन सब के बेसिस जो है वो 10 है, 0.6990। कहने का मतलब यही है कि 10 की पावर अगर हम 0.3010 लेंगे तो वो हमें 2 देगा। कहने का मतलब इसका यही है कि 10 की पावर अगर हम 0.3010 लेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हम लोगों को 2 वैल्यू देगा। नाउ ये हमारे पास आ गया log 2 का वैल्यू। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं अभी। सपोज आपको ये पूछा जाए log of 2000, तो log of 2000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, log of 2 into 1000, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं log of 2 plus log of 1000, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 का वैल्यू 0.3010 जो हमने अभी ऊपर देखा, 0.3010 हम लोगों ने इसका वैल्यू देखा, एंड log 1000 का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, +3। अब ये जो 4000 का वैल्यू +3 आता है, इसको अगर हम टोटल वैल्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि log 2000 इज 3.3010। अब जब हम यहां पे ये लिख रहे हैं ना 3.3010, तो इसमें ये जो 3 है, दिस 3 इज कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम 2000 को क्या लिख सकते हैं, 2000 को वी कैन राइट इट एज 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 3, एंड ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं मेंटिसा। अब मेंटिसा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास 2 गिवन है तो 2 को हम लोग 2.000 मान लेंगे, ठीक है, पहले हमें 2 को इन दो जीरोस के ऊपर चेक करेंगे लॉग टेबल के ऊपर, लॉग टेबल के ऊपर पहले इस 2 को इन दो जीरोस के ऊपर चेक करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट जीरो के ऊपर चेक करेंगे और वो वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जब वो वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 0.3010 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मेंटिसा है। आप इसको नोट करिए, आई ट्राई टू फाइंड आउट ए लॉग टेबल, मैं आपको लॉग टेबल से बात समझाता हूं, आप जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए इन द मीन टाइम। अभी यहां पे क्या है, इफ यू सी हियर, तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था, ये देखें, जस्ट अ सेकेंड,
अब ये देखें लॉग, ये क्या दिखा गया 20, देख रहे हैं आप यहां पे, और इसके सामने क्या लिखा गया है 3010। देखें अगर मुझे लॉग लॉग 20 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, या लॉग किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 20 को 00 के अंदर चेक करेंगे, ठीक है, लॉग 20 को 00 के अंदर चेक करेंगे, 0 के अंदर। अब देखें लॉग 20 जो है, पहले इसको हम 0 के अंदर चेक करेंगे, तो 0 के अंदर इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी, ये क्या रही है, आपने देखा 3010। तो हम ये मेंटिसा हमेशा डेसिमल में लिखा जाता है, तो इट इज 0.3010, ठीक है। वेयर एज नेक्स्ट जो जीरो है वो जीरो हम लोगों के पास नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसकी वैल्यू 3. मेंटिसा जो है, ये मेंटिसा है, ये जो हम टेबल के ऊपर देख रहे हैं ये मेंटिसा है। करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इसका बिकॉज 20 कैन बी रिटन एज 2×10^1, तो करेक्टरिस्टिक इज 1। तो अगर मैं लॉग 20 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इट विल बी 0.3010। चले एक और मैं बताता हूं आपको, शायद इससे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एक और आपको बताता हूं। देखें सपोज आपको फाइंड आउट करना है लॉग 2123, ध्यान से समझना भी, लॉग 2123 का, यानी हमें 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है, 5 डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट का नंबर होगा, तो हम पहले 4 डिजिट को ही लेके चलेंगे, 5-6 वाले को इग्नोर कर देंगे, 2123। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आप में से मुझे कोई बता सकता है, हम इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट में लेके चलेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक इज 2×10^3, 3 log 10, तो करेक्टरिस्टिक इज 3, क्योंकि हमने इसको 3 प्लेसेस लेके गए, राइट। अब बात आती है मेंटिसा की, ध्यान से देखना, मेंटिसा में 21 को पहले हम लिखेंगे, देखेंगे 2 के अंदर, व्हाट इज 2, हियर इट इज 2, 2 के अंदर इसका वैल्यू आ रहा है 3464, तो हम इसको यहाँ 3464 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट इसको 3 के अंदर लिखेंगे, कौन सा 3, ये जो मीन डिफरेंस वाला 3 है, तो आगे चलते जाएं तो ये मीन डिफरेंस के 3 के नीचे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3470। तो मेंटिसा क्या बन गया, मेंटिसा बन गया 3470, राइट। करेक्टरिस्टिक आ गया 3, तो हमारे पास लॉग का वैल्यू क्या बन जाएगा, हमारे को लिखा जाएगा कि लॉग 2123 इज इक्वल्स टू 3.3 इज द करेक्टरिस्टिक पॉइंट डेसिमल, और मेंटिसा इज 3470, ये इसका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुई आप सबको, ये बात आप सबको क्लियर हुई जी, तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। फर्दर बात करता हूं आगे, 3483 क्यों नहीं लिया हमने, 3 के नीचे तो ये करैक्टरिस्टिक दिखा रहा है, क्या कह रहे हैं 3 के नीचे 3483 दिखा रहा है ना, आपने 3464 क्यों लिया, 3 के नीचे बेटा हमने, अच्छा सॉरी 21 को, सॉरी ये 3263 लेना था, आई एम सॉरी ये 3263 आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने एक्चुअली नीचे लेवल वाला ले लिया, 3263 आएगा और ये 3469 आएगा, ये 3469 आएगा। एक और करते हैं, नो सर ये तो करैक्टरिस्टिक सेकंड का आ रहा है ना, थर्ड तो आगे लिखा है, मैं आपको एक और बताता हूँ, आपको बात मेरी क्लियर होगी, रुकिए एक सेकेंड,
नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग लॉग ऑफ 4834 7 फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल. अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे. व्हाट्स दैट? दिस 2 3 एंड 4 ये यहां पे आ जाएगा. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिल गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 4. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग, हमें 48, ये है 48 यहां दिख रहा है सबको. सबसे पहले 48 को हम 3 के अंडर चेक करेंगे. सो ये यहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 एंड 3. 3 के अंदर इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 6839. ओके वी राइट 6839. फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें जो मिल रहा है वो हमें चेक करना है 4 के अंदर, और 7 को इग्नोर कर देना है. 7 विल बी इग्नोर्ड. तो 4 के अंदर इसका वैल्यू क्या आ रहा है? मीन डिफरेंस 4 के अंदर इसका वैल्यू 4 ही आ रहा है. आप ये देखें, हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है. प्लस 4, ये बनेगा 6843. देयरफॉर लॉग हमारे पास ये आ जाएगा 48347 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक 4 पॉइंट जो इसका मेंटिस आया वो 6843 आया. This is the answer for us. This is the value of log. So I hope this is clear to everyone कि हमने log table के ऊपर values को कैसे check करना है. तो आप इसको देखिएगा. आप को जब अगर नहीं अभी समझ आया तो आपसे request यही है कि kindly ये जब video आपके पास आएगा तो इस video को एक बार आप दोबारा से देखिएगा तो चीजें आपके लिए और ज्यादा clear हो जाएंगी. कल हम लोग इससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि we will finish this chapter by tomorrow. तो go through it today. जो भी आज हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट था. गो थ्रू इट, द कंसेप्ट वर इम्पोर्टेंट. आप इसको आज देखेंगे और प्रॉपरली इसको फर्दर लेके चलेंगे. तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए और आप प्रॉमिस करेंगे कि ये वीडियो आप दोबारा से देखेंगे, समझेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे. बाय फॉर टूडे. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.